टाइगर इज टेकिंग दैट जंप, ही इज जंपिंग नाउ. तो मैं बबल गम फेंक दूं? व्हाट अ शेक यार, बेटर देन अ मैंगो शेक. आई वाज स्कैर्ड. दूसरों को डराकर वो जीता जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है. वाओ, नाड़ा खुल गया था. आपका शो बापू शो है. बचपन से. आज एंट्री हीरो स्टाइल से होने वाली. बॉस, जोरदार तालियां मेरे लिए. आज मैं जो स्टंट करने जा रहा हूं, बच्चों से निवेदन है कि घर पे ना करें, अगर करना है किसी एक्सपर्ट की देखरेख में करें. पाजी, आज जो हमारी मैगजीन की इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, वो आ तो रहे हैं लेकिन आ कहां से रहे हैं ये नहीं पता, बिकॉज उनका स्टाइल थोड़ा खतरनाक है. थोड़ा स्टंट करके आते हैं हमेशा ही, और मुझे डर है कि मुझे यहाँ पे कहीं खड़े खड़े चोट ना लग जाए, क्योंकि वो कुछ खतरनाक किस्म के एक्टर हैं. एक बार जोरदार तालियां टाइगर श्रॉफ के लिए. बैठ जाइए. पाजी, हमारी इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री, इस बात की गवाह है कि कभी भी देश में कोई आपदा आई है तो सबने मिलकर साथ दिया है. जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश में टाइगर बहुत कम बचे हैं, तो हमारी इंडस्ट्री ने आज टाइगर भी दे दिया. ओ! टाइगर, एक बात बताइए. हाँ जी, बोलिए कि टाइगर के भी मूछें होती हैं. आपके पापा जैकी सर की भी हैं. हाँ जी. तो आपने क्यों नहीं रखी, या मूछें आने की वेट नहीं की, सीधी फिल्मों में आने की जल्दी थी, या मूछें रखी थी या कहीं रख के भूल गए? बात क्या सर, फिलहाल जवानी चल रही ना सर, तो अच्छा शायद जवानी के बाद आ जाएगी, फिलहाल तो नहीं आई सर. अच्छा, फिलहाल आई नहीं अभी. नहीं, अभी तक. क्या बात है, मूछें आई नहीं, फिल्म पहले आ गई. और पाजी, आपको जैकी साहब का नाम पाजी याद नहीं आ रही है, वो सच में बज रही है. क्योंकि हमारे बीच तशरीफ ला रहे हैं मिस्टर जैकी श्रॉफ.
टाइगर नहीं है ये, बब्बर शेर है। टाइगर नहीं बब्बर शेर है ये, अच्छे अच्छों को हिलाएगा अपने जबरदस्त हुनर से, ये फिल्मी पर्दे पे धूम मचाएगा। जैकी दादा आपकी हीरो की तरह इसकी हीरो पंती भी सुपर हिट होगी। आपने बॉलीवुड में धाक जमाई थी, ये हॉलीवुड तक पहचान बनाएगा। अरे वाह क्या बात है। भाई ये कुछ स्प्रिंग वगैरह लगाए हुए हैं? रबड़ का बना हुआ, रबड़ का पता नहीं क्या है यार, ये कमाल ही है। हम तो ऐसी उलटबाजी लग ही नहीं सकती, गलती से लगा हमारे तो चपातियां बाहर आ जाए भाई। क्या करंट है लड़के में? मैं मेरी जान यहां से आ गया। जैकी सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। थैंक यू भाजी। पहले ये बताइए आप कैसे हैं? बड़े बिंदास, और आपका शो बापू शो है। जान अच्छा टाइगर, हाँ जी। हमारी इंडस्ट्री में ढेर सारी फिल्में रिलीज होती हैं और जिनकी फर्स्ट फिल्म रिलीज होती है, डेब्यू जिनकी होती है, उनके सर पे एक प्रेशर भी रहता है, दिमाग पे बहुत सारे लोगों की उम्मीदें रहती हैं। लेकिन जब एक फिल्म स्टार के बेटे की फिल्म लॉन्च होती है तो और भी उम्मीदें रहती हैं, इस चीज को लेकर आपके ऊपर कितना प्रेशर है? सर प्रेशर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सच बता तो इनकी बात ही अलग है सर। मैं इनको टक्कर नहीं दे पाऊंगा सर। नहीं ये बात तो मैंने पूछी नहीं थी कि जैकी सर को टक्कर दे, तो आप खुद ही क्रेडिट ले रहे हैं। मैंने पूछा था कि प्रेशर तो नहीं है, अगर है तो बाथरूम नजदीक ही है। 2 रुपए में 15 मिनट आप बिता सकते हैं, वाईफाई है। पर खैर पाजी, जोरदार तालियां बनती है सर। आप प्लीज जैकी सर, टाइगर आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए सर। अच्छा जैकी सर, जब 80s में आपने फिल्मों में प्रवेश किया तब जितने भी हीरो थे हाथ में बंदूक लेके पोस्टर पे लगे हुए हैं और कोई कुछ करके, आप बांसुरी लेके प्रवेश किया आपने, तो तब आपको लगता था कि बांसुरी बजेगी और इतना बजेगी कि आज तक बज रही है और कॉमेडी नाइट्स तक पहुंच जाएगी? मैंने लाइफ में कभी कुछ सोचा ही नहीं, जो आया लिया। तो वैसे जैकी सर आप फिल्म में विलन बनने आए थे ना पहले? वही बनाऊं भी बड़ू। नहीं अभी मतलब हीरो जब आप आए तो मुझे याद है सर, मतलब हीरो फिल्म ने क्या धमाल मचाया था पाजी। बम, मतलब पहली बार था कि आते ही इन्होंने लड़की किडनैप की, लेकिन फिर भी प्यार आ रहा था, ये अच्छा किया। मतलब अच्छा लग रहा था। अरे जैकी सर, बेटा जो होता है बाप के नक्शे कदम पे तो चलता ही है, आप इनके फादर हैं, जाहिर सी बात है गॉड फादर भी हैं, लेकिन आप जब इंडस्ट्री में आए तो आपका कोई गॉड फादर नहीं था, तो फिल्मों में एंट्री कैसे हुई सर? बड़ो फिल्मों में एंट्री, पहले तो मॉडलिंग में एंट्री भी रस्ते पे खड़ा था, किसने पूछ लिया करता क्या है, तो मैं बोला मैं ट्रैवल एजेंसी में काम, बोला आप क्या करते, बोला मॉडलिंग एजेंसी में अकाउंटेंट है। मेरे को देख के बोल रहा है कि पिक्चर में मॉडलिंग क्यों नहीं करते, मतलब मॉडलिंग क्या होता है, तो बोले तुम्हारा फोटो लेगा, अगर फोटो ओके हो गया तो तुमको पैसे देंगे। मैं बोला मेरा फोटो भी लेगा और मेरे को पैसे भी देगा। तो मैं बोला भाई ऐसा काम मेरे को चाहिए, तो बोले आप आ जाओ ना मेरे ऑफिस में। तो मेरा ऑफिस और इसका ऑफिस लंच ब्रेक में चला गया, खड़ा रह गया वो मिसेस जैन, रीता जैन जी थी, बोले उन्होंने देखा, बोले जाके अपना मेजरमेंट दे दो, खत्म, मॉडलिंग शुरू हो गई। सब लिखा होता है बड़ू, लिखा होता है यहाँ, लिखा था कि बनने का। तो चलते चलते कहा माँ को, बोला माँ माँ काम छोड़ रहा हूँ मैं ट्रैवल एजेंट। बोले क्या कर रहा है, बोले मैं मॉडल बन गया हूँ माँ। तो बोले मॉडल क्या होता है, बोले फोटो आएंगे और ये मैं सूट भी ले आया, घर में कबर्ड नहीं थी बस सूट आ गए थे। वो हमारी आशा चंद्रा जी थी, अच्छा, जो एक्टिंग सिखाती थी, तो उन्होंने कहा एक घर पे फोन आया, घर पे मतलब बाजू के घर पे, वो मेरा ही फोन था, ऐसे 3 फोन थे मेरे।
सात खोली थी तो सात खोली में तीन जन के पास फोन था, वो तीनों नंबर मेरे कार्ड पे था। तुमने मेरे को बोला कि आप एक्टिंग क्यों नहीं सीख लेते, मैं बोला नहीं करने का मेरे को, मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ। तो बोले नहीं आप आओ आके सिर्फ देखो। तो मैं जाकर जब देखा तो मुझे देव साहब का बेटा दिख गया और मैं देव साहब का बहुत बड़ा फैन। तो बोला यार इसके थ्रू मैं एटलीस्ट देव साहब को तो मिल सकता हूँ, मैं बस जाके ज्वाइन कर ली और पीछे खड़ा रहता था आशा चंद्रा जी के पान दान लेके, कहीं यहाँ थूक दे दी थी यहाँ से पान। करते करते बस देव साहब के यहाँ चले गए। देव साहब ने मुझे देखा, बोले सुबह सुबह तुम्हारी तस्वीर देखी और शाम को तुम मेरे सामने खड़े हो, तुम्हें एक रोल जरूर दूंगा। बोला हाँ सेकंड लीड तुम्हारा हो गया। बोला फैंटास्टिक यार, मैं तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। घुस गया मैं। 15-20 दिन के बाद में फिर मिथुन दा ने डेट दे दिए तो फिर से मुझे बुलाया गया। बोला देख बात ऐसी है कि मिथुन दा आ गया है तो उसे सेकंड लीड दिया, तुम्हें और एक रोल देता हूँ, शक्ति कपूर का चमचा। देखिए दादा मुझे आपको जो फी डालनी है कोई मतलब मैंने ये जैकी सर से मेरी पहली मुलाकात है और ये रियल लाइफ में जैसे हैं वैसे ही पर्दे पे, शायद ये वही कारण है कि जैकी सर को लोगों ने इतना प्यार दिया पहली फिल्म से। छक्का बाजी। अच्छा जैकी सर, आप हिंदी फिल्मों में आप किनसे इंस्पायर थे? एक तो देव साहब हो गए, दत्त साहब, सुनील दत्त साहब। दत्त साहब की तरह वॉक करता था मैं। का एक पिक्चर देख लिया था बाबा का, कोई मुझे जीने दो ऐसे विलन का, मैं यहाँ पे काला टीका लगा के काला पैंट और काला कुर्ता लंबे बाल, और जब मैं वॉक पे चलता था तो लड़कियां सामने से टर्न करके निकल जाती थी, कोई रोड क्रॉस करता था कोई बिल्डिंग में घुस जाती थी और मैं चला जाता था। मैं बोला डाकू तो बन नहीं सकता, डाकू नहीं बनना है, फिर देव साहब बन गया। तो रोमांस, ये रोमांस जो रेडियो का रोमांस होता है, 11 से 11:30 मास सुला देती थी, रेडियो चालू कर देता था बेला के फूल, तो इतने अच्छे अच्छे गाने होते थे तो मुझे लगता था कि रोमांस यही है। वैसे तो कुछ नहीं कि आंखों में जुल्फों पलखों बलखों ऐसे बोलते तो उन लोग मुझे आज देख लो पागल तो नहीं हो गया, ये जुल्फ की बात कर रहा है, पलखों के नीचे सो जाऊंगा जुल्फों के नीचे, ऐसा कुछ नहीं है हम लोग। तो रोमांस है लाइफ में ब्लू, रोमांस देव साहब और वॉक दत्त साहब, ये बैठा हो सामने। ये सवाल आपसे इसलिए पूछा था बिकॉज कई बार होता है हम लोग किससे बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं, जैसे हमारे अमिताभ बच्चन साहब हमारे लेजेंड हैं, तो जब जैकी साहब किसी फिल्म की शूट कर रहे थे तो तब बच्चन साहब ने जैकी जी को फोन किया कि मेरे बच्चे आपके फैन हैं और आपका ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। सर ये बात मैंने कहीं पे पढ़ी थी कि बच्चन साहब के बच्चे आपका ऑटोग्राफ लेने आए थे चेन्नई में शूटिंग कर रहा था ताज कारोमंडल। अच्छा, और हम लोग सब बच्चन साहब रह रहे ऊपर, कहाँ पर? बोला पूरा फ्लोर बुक कर लिया। बोला अच्छा। मैं शूटिंग वूटिंग करके आया वापिस से अपने 5वें माले पे एक छोटे कमरे में, तो मुझे घंटी बजी, बोले कोई मिलना चाह रहे हैं। बोले कौन है? बोले बच्चन साहब के बच्चे हैं। तो क्या है? ऑटोग्राफ। मैं बोला यार, उस वक्त मुझे ऐसा रियलाइज हो कि मैं वाकई हीरो बन गया। जैकी साहब ने बहुत सारे जो हीरो हमारी इंडस्ट्री के उनके बड़े भाई का रोल किया। सर एक टाइम पे मुझे पता क्या लगने लगा था, अनिल सर के साथ आपने इतनी फिल्में की, अनिल कपूर साहब के साथ, मुझे सच में लगता था दोनों भाई हैं, पर ये शिरोफ क्यों लिखते हैं, वो कपूर क्यों लिखते हैं, मैं ऐसा सोचता था। मुझे इतना मतलब आपकी सर काफी केमिस्ट्री होगी अनिल सर के साथ। बड़ा इतने सारे के माधुरी जी को भी जरा कॉन्शियस हो गई थी वो कि ये दो का पैर ज्यादा हो रहा है हमारे से। 11-12 पिक्चर हो गए थे साथ में। मैं हमेशा मेरे एक परिंदा पिक्चर थी, परिंदा पिक्चर के अंदर मुझे बुलाया गया था एक रोल के लिए, तो अनिल कपूर साहब आए और बोला कि एक बहुत अच्छा रोल है, मेरे बड़े भाई का रोल है। मैं बोला हाँ, तू ये करते करते मेरे को इंडस्ट्री से निकाल देगा, आगे तू हमेशा चूजा रहे और ये बड़ा भाई, ये मेरा बड़ा भाई है। बाद में अनिल ने मेरे को बताया, बोला मैं तेरे को इसलिए लिया था क्योंकि नसीर भाई मेरा बड़ा भाई बनने वाला था, वो मेरी बैंड बजा देता और तू एक डफर एक्टर, तू एक डफर एक्टर तो मैं तुझे ले लूं।
तो वो रोल मुझे दिया गया था अनिल भाई का, एक बड़ा भाई का रोल. और जब पिक्चर लगी और मुझे अवार्ड मिला तो उसने मुझे बड़ा गाली दिया. बोले यार मैंने तेरे को लिया था डफर एक्टर समझ के और तू ले लिया. आज भी बोलता है, आज भी वही बातें होती है. तो आप इंडस्ट्री में एज ए हीरो लॉन्च हुए थे क्या, एज ए बड़े भाई? बड़ा भाई, भाई. ओह जोरदार तालियां एक बार यार. मुंबई लेकिन जैकी सर एक बात कहूं, ये जो आपने बड़े भाई के किरदार किए ना, आज उसी का फल है कि आप टाइगर के भी आज बड़े भाई लग रहे हैं. अच्छा टाइगर एक बात बताइए आप. हाँ जी सर. कि आपके पापा की जो फिल्म आई थी हीरो और आपकी आ रही हीरोपंती, तो आपकी हीरोपंती और पापा की हीरो में कितना फर्क है? सर बहुत बहुत फर्क है सर. एक्चुअली दोनों स्क्रिप्ट में एक ही सिमिलैरिटी है, दोनों लव स्टोरी है. ओके. शायद दूसरा ये होगा कि वो भी एक्शन करते थे, मैं भी एक्शन करता हूँ. और मैं अच्छा डांसर हूँ. हाँ. नहीं सुनिए जैकी जी, मैं ना कब से आपका इंतजार कर रही हूँ. हाँ जी हाँ जी. अरे तो बता देती, नंबर नहीं है, नंबर नहीं दिया. सुनिए जैकी जी, आपने पहली फिल्म की थी ना हीरो, उसमें आप मीनाक्षी शेषाद्री को किडनैप करके ले गए थे. देखिए मैंने अपने हाथ भी खुद ही बांध रखे ताकि टाइम वेस्ट ना हो. अच्छा ले जा सकता हूँ? ले जाओ. हाँ जी, आप मोटरसाइकिल पे बाहर ही है. मोटरसाइकिल है. चलिए नहीं तो हमारे पास लूना भी है, हम लूना पे भी किडनैप हो सकते हैं. मगर ये जो मेरा वजन शायद ले ना पाएगा लूना. नहीं आपका तो ले पाएगा, ये बैठेगी तो लूना का चूना निकल जाएगा. किस दिन ट्रक मंगवाएंगे ना, ट्रक मंगवाएंगे, लॉरी मंगवाएंगे बड़ी वाली, फिर तू अपनी इच्छा पूरी कर लेना. अभी लूना को इरादा छोड़ दे, वो मेरे लिए रखी हुई मैंने. तूने तो मेरे दिल की बात कह दी, तेरे मुंह में घी शक्कर. सिद्धू जी, हाँ जी. इनकी एक फिल्म आई थी कर्मा, उसमें ना इन्होंने ट्रक में हनीमून मनाया था. उसमें ये भी लिखा हुआ था जस्ट मैरिड, आर यू रेडी गाइस, यू कूल डूड. ये पर एक किस गाइस के गाय? नहीं नहीं नहीं, बैल हूँ यार, गाय ना दिख रहा हुआ. ये ट्रक पर की एग्जांपल देनी बंद कर पहले तो. उस फिल्म में श्रीदेवी थी, अपने आप को देखा तू? गोगा कपूर का बड़ा भाई लगती है तू. हर हर किसी को अपने साथ मिलाना शुरू कर देती है. क्या हु करने लग जाते हो? मुझ में और श्रीदेवी में फर्क ही क्या है? कुछ नहीं, बिल्कुल उसके जैसी आंखें हैं मेरी. कहती श्रीदेवी से मेरी आंखें मिलती हैं, तेरी बाई आंख तेरी दाई आंख से नहीं मिलती. इससे क्या आंखें मिला रही है, झूठ बोलती है. Shut up, बिट्टू. अगर तूने मेरी ब्यूटी के बारे में कुछ कहा तो मैंने ये रस्सी बांध के उस पार्लर वाली के दो टांगे मारनी है जो मेरे पे 12-12 घंटे चूना मलती है. वो एक काम कर, तू रस्सी लेके मत घुमा कर, किस दिन कोई गाय समझ के तेरे को ले गया ना तो हमें बड़ी खुशी होगी. सुनिए इधर आइए जैकी जी. और वाह, मैं ना कब से आपका इंतजार कर रही थी. नहीं नहीं सुनिए, मुझे ना मूंछों वाले इंसान बड़े पसंद हैं. आपको देखकर मुझे माचो मैन की फीलिंग आती है. यू नो माचो मैन की फीलिंग इनको आती है? ये मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ. मैं समझ में नहीं आ रहा इसका. इन्होंने रजा मुराद साहब को वाक्य में कहा था, कहती आप अपनी मूछों में से रजा रजा खुद रख लो, मुराद मेरे को दे दो, मेरी मुराद पूरी हो जाएगी. ऐसी बोलती थी. चलो बिट्टू सुनिए. हाँ. ये मूछ कटा नहीं समझेगा. ओहो टाइगर की तो मूछे नहीं है. वैसे टाइगर सुनिए, कई लड़के ऐसे भी होते हैं जो बिना मूछों के भी बहुत सुंदर लगते हैं.
देखिए देखिए कितना प्यारा बच्चा है। तेरी टाइम पे शादी होती ना तेरी जैकी सर जैसा बच्चा होता तेरा। क्या क्या कर रहा देख? जरा भी नहीं है यार। बिल्कुल। सुनो। ना तो सी। टाइगर। तो हाँ? रहने दो मैं। कहाँ ले जा रही हो? नहीं टाइगर सुनो। हाँ जी। मैं इतनी हसीन हूँ, 22 ईयर ओल्ड हॉट सेक्स थी, फिर मुझे कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं मिलता? बुआ जी आप में एक्चुअली कोई कमी नहीं है, सच सच बताते हैं। पर जिस दिन आप अपनी एक्चुअल उम्र मान लेगी तो शायद कुछ होगा। क्या हुआ? खैर ये अब तो मैंने सॉरी फील करना बंद कर दिया। ठीक है होता है। जैकी सर हमारे पास कुछ आपके साथ जो को एक्टर्स रहे हैं उनकी हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं, कुछ आपको पुरानी यादें ताजा करवाते हैं। प्लीज जरा LED पे चलाए जाए जरा। सर ये आपके को एक्टर हैं। हाँ मोती जी। मोती सर फिल्म में इतना प्यार दिखाया गया है, मतलब ये आपकी फैमिली के लिए कितना कुछ करता है, बच्चे को जब धूप लगती जाके वो पेस्ट लगाता है, इतना प्यार सच में था कि आप मतलब एनिमल लवर हैं, आपको प्यारे लगते हैं डॉग के डरते हैं आप? ये जो शॉट है बाबा ये शॉट के लिए मेरे को ऑस्कर मिलना चाहिए। क्योंकि ये जब छोटे होते हैं ना बहुत प्यारे, यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक, इसके बाद जरा खतरा लगता है बड़ू। ये जो पकड़ा हूं ये हाइट ऑफ परफॉर्मेंस है बापू। क्योंकि वो उधर भी बंदा हुआ तो मैं भाग जाऊंगा। ये जो मैंने किया है मेरे को मालूम है बड़ू। और बच्चे जितने मेरे पास कुत्तों के छोटे बच्चे आए मेरे दोस्त के घर पे मैं उनको दे देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं एनिमल लवर बहुत संभालता हूँ, इनको बरसते से उठा के अपने घर के बिल्डिंग के नीचे रख लेता हूँ, मगर मैं डरता हूँ। ये कैसा किया मेरे को मालूम है, वो सामने से भाग के आ रहा है, मैं यहाँ से भाग के आ रहा है और गले मिल रहा है, मुझे लगा कि यहाँ ना पकड़ ले। नहीं अच्छा जैकी दादा एक तो वो लक्ष्मीकांत जी के घर जब आप गए थे म्यूजिक डायरेक्टर हमारे, उन्होंने भी तो एक बड़ा प्यारा सा कुत्ता रखा हुआ था। हाँ रखा था। आपका बड़ा प्यारा वेलकम किया था आपका। हाँ पकड़ लिया था इधर। उसका फॉल्ट नहीं था, उसका फॉल्ट नहीं था बेडू। वो क्या डाइनिंग टेबल ऐसा था और हम लोग खाने के लिए सब चले, वो वहां सो रहा था टेबल के नीचे, हमें क्या मालूम बेडू, मैं घुस गया। हाँ डैम। तो समझ जाना मेरी हालत क्या हुई होगी बेडू। कहां मालूम है ना किधर था? दो इधर इधर दो दो इंच से बच गए। दो इंच से बाबा। जैकी सर फिल्मों में हमने आपको इतना देखा, ये रूप आपका कभी नहीं देखा था। आज ये शो जैकी सर के नाम है, जोरदार तालियां। आपके एक और को एक्टर हैं जी, दिखाया जाए। उफ। ठुल्लू। भाई ये मेरा भाई बना हुआ है। ये मेरी फेवरेट फिल्म दूध का कर्ज में से है। सर इनसे रिलेटेड एक स्टोरी बताइए, जब लास्ट वाला सीन होता है आप पकड़े होते हैं, वो क्या हुआ था ड्रामा सारा? पहले तो बड़ू क्या था कि विलन लोग ने मुझे पकड़ लिया और मैं खड़ा हूं, बांध के मुझे लगा दिया, तो मुझे बचाने के लिए मेरा भाई आके खिड़की में से ऐसे झांक के देखता है। वो देखता मेरी भी नजर जाती है, मेरे भाई को देखा। और कुछ ही चंद सेकंड के बाद में 50 सांप अंदर, उसकी गैंग आ गई भाई मेरे को बचाने के लिए। हाथ बाज छुड़ा, विलन को मैं मार रहा हूँ, यहाँ से एक दूसरा सांप मार रहा है, वहां से तीसरा मार रहा है। बोला यार उसको कैसे मालूम कि ये मेरा भाई है, ये तुम लोग 50 जन है, कोई यहाँ पर है कोई यहाँ पर है। बोले विलन वहां यहाँ नहीं है भाई। बात मुझे अच्छी लगी कि ये तो भाई बना हुआ है। हाँ। बाकी वाले सांपों को कैसे पता कि ये ही भाई है? एक और अच्छा
रेफ्यूजी रेफ्यूजी इसमें बैठ के आपने काफी सफर किया है। हाँ, सफर सफर किया, सफर इज द वर्ड। ऐसा सफर किया बिड़ू, शॉर्ट था कि मैं बीएसएफ सोल्जर स्ट्रॉन्ग, और सब लोग देख रहे हैं वहां के सोल्जर लोग खड़े, वहां के राजस्थान के सब ऊंट वाले खड़े, जैकी श्रॉफ, ये जैकी श्रॉफ ऊंट वाला, ये जैकी श्रॉफ। कैमल के ऊपर फर्स्ट शॉट, भाग के जाना उधर, बंदूक भी हाथ में। मानता हूं यार, अपने सोल्जर लोग को मानता हूं, बाप लोग अपन असली ने, असली तो वो है, वो कोई शक ही नहीं है ब्रो। बीएसएफ वाले जो ऊंट चलाते उनकी तो इज्जत और ज्यादा है ब्रो, क्यों मैं भाग के गया, और मैं एक्चुअली पहले सब ऊंट वाले थे ऐसे चार छह, बोला भाई इधर, बोला सबसे शांत ऊंट कौन सा है? बोला मेरा है सर, मारा मारो है, मारो है, मारो है, मारो है, कौन सा है? बोला आओ मिलाओ मिलाओ भाई, ये ऊंट पहले देखा, उसको कुछ हिला बिला नहीं, वो खाली देखा, वो रिलैक्स थे। मैं बोला बिंदास आप संभाल सकता है ना इसको? बोला हाँ संभाल सकता हूँ। शॉर्ट था वहां से भाग के आने का, और आके बंदूक भी हाथ में, और ऊंट पे चढ़ने, बोला भाई मैं जब चढ़ूंगा तभी वो उठेगा ना? बोले हाँ, ये चला तो ये वो बंदूक किधर, और बीएसएफ में वो बेल्ला किधर, मेरा टोपी किधर, और मैं किधर? मैंने बोला भाई मेरे को नहीं बनने का आर्मी वाले में, मैं नहीं ज्वाइन कर सकता, मेरा पैंट भी ढीला हो गया, पैंट जरा आपने मेरे तीन गिना दिए, अब और मत गिनाना मेरे भाई। ये सीन मस्त था, एक टांग रखी, ऊंट उठ गया। ऊंट को थोड़ी ना पता था जैकी श्रॉफ चढ़ रहे मेरे ऊपर। और वो तो रेत के लिए रखते ना ऊंट को, कि रेत में चलता है तो थोड़ा उसको कंफर्टेबल रहता है, बहुत कंफर्टेबल। तो सर ऊंट पे बैठ के आदमी जितना थकता ना, पैदल नहीं थकता। हाँ। उसने ऐसे ऐसे लेके जाना होता है। क्या जुबा बापू, पहली बार ऊंट चाल देखा, गजगाम नहीं देखा था, बापू हो गए। खैर, एक बार जैकी दादा के लिए जोरदार तालियां। पाजी, हमारी इंडस्ट्री में जब कोई फिल्म रिलीज होती है, इट्स लाइक ए वेडिंग। हाँ। और दूल्हे साहब यहाँ पे विराजमान है, दूल्हे के पिताजी भी हैं, कमी है तो दुल्हन की। हाँ। तो क्यों ना दुल्हन को भी इनवाइट किया जाए फटाफट। सो आपकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा कृति सैनन का, जोरदार तालियां। कृति, अब आप फाइनली अपना डेब्यू फिल्म करने जा रही हैं, सो कैसा लग रहा है आपको कॉमेडी नाइट्स में आके? मैं ये सीरियसली मैं वेट कर रही थी आप मुझसे ये पूछो, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स, मेरे मॉम डैड, मेरी बहन की फ्रेंड्स, मेरे सारे रिलेटिव्स, चाचा मामा, सब लोग कपिल के शो पे कब आ रही है तुम? सीरियसली आप इस शो को जिस मुकाम तक लाए हैं, hats off to you. It's I think the most popular show, and I was super excited to come on this show. Thank you so much, Kriti. चलो अब शो की फैन है तो साथ में बैठ जाते। अच्छा, इधर जगह टाइट लग रही। अच्छा कृति, एक बात बताओ, ये 6 feet height, 12 inch कमर? नहीं नहीं, ऐसे ही क्या आप अपने बगीचे में कुछ उगाती हैं जो खाती हैं आप? क्या होता है? मैं ना एक्चुअली हील्स आज इसलिए नहीं पहन के आई हूँ क्योंकि आपको कॉम्प्लेक्स ना हो। अच्छा, पहनी नहीं हुई है? नहीं, आपको कॉम्प्लेक्स ना? वैसे ही मनी प्लांट की तरह बढ़ती जा रही हूँ। तो वैसे कृति, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं दिल्ली से। दिल्ली से? दिल्ली दिलवालों की? यस, दिल्ली वालों से मेरा बड़ा खास प्यार है। आपका हर किसी लड़की से प्यार है। अरे, मैंने कभी ऐसा कोई मोहल्ला नहीं देखा, कोई ऐसा कॉलेज, ऐसी आप कहाँ पाई जाती हैं? मैंने एक्चुअली इंजीनियरिंग की है। इंजीनियरिंग किस मतलब सब्जेक्ट में? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं आप? यस। क्या तभी करंट ज्यादा है आप में? खैर पाजी,
टाइगर और कृति की जोड़ी बड़ी खूबसूरत है. आपको पता है आपकी फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई है और उस पे इंटरनेट पे आप अगर जाएं तो कितने सारे हिट्स मिल चुके हैं. देखते ही होंगे वैसे तो. अंदर अंदर आदमी रात को चेक करता है कितने हो गए. चलिए अच्छी बात है, उसका छोटा सा सबूत हम आपको यहाँ पे देते हैं. बहुत सारे आपके चाहने वाले यहाँ पे लोग बैठे हैं. तो आप लोग जैकी सर से, टाइगर से, कृति से जो भी बात करना चाहते हैं खुल के कर सकते हैं. सबसे पहले कौन आ रहे हैं? जी मैडम. मेरा प्रश्न जैकी जी से है. आप इतने टॉल, डार्क, हैंडसम हो और आपके बेटे भी इतने फेयर एंड हैंडसम है, तो कॉलेज के दिनों जैकी में जी को टॉल डार्क बोला आपने? गोरे चिट्टे तो हैं. नहीं नहीं, एक्चुअली एक्चुअली बेटे के सामने टॉल डार्क हैंडसम लग रहा है. नहीं नहीं, बेटे के मुछे नहीं ना आई अभी. अच्छा. तो वो अभी पूरा सफा चट्टा काम. ओके, तो जैकी जी आप इतने फेयर और हैंडसम हो तो आपके बेटे भी इतने हैंडसम है जी. तो कॉलेज की दिनों में आपको, आपने बहुत लड़कियां पटाई होगी और बहुत सारी पट्टी भी होंगी. आपने काफी लाइन मारी होंगी. तो मेरा क्वेश्चन ये है, खुल के बताइए सर जो बोलना है. थैंक्स यार. टाइगर आंखें बंद. थैंक्स अपाजी. थैंक्स यू. टाइगर घर जाके बताना नहीं किसी को. जी जी मैडम. मेरा क्वेश्चन ये है इनसे कि तब जब लड़की पटाना था और अब जो कंटेम्प्रेरी है, तो उसमें कोई फर्क है अब जो तब पटा, जो पटती थी और अब में कुछ, एनी चेंजेस? मेरा पहले, सबसे पहले आपसे ये सवाल है एक. आपने कहा कि तब पटाना आसान था कि आज, या तो इसका मतलब ये है कि जैकी जी तब भी पटाते थे और आज भी पटाते हैं. देखिए, या अगर आप टाइगर से पूछ रही हैं तो भी गलत है, क्योंकि टाइगर उस जमाने में तो थे नहीं. सो आपके सवाल में दुविधा है. जनता जानना चाहती है, आप जानना क्या चाहती हैं? नहीं नहीं, जैकी जी तब भी बहुत हैंडसम थे और अब भी हैं जी. हाँ. बिल्कुल उसमें कोई ये नहीं है, बिल्कुल हैंडसम है. आप ही की तरफ आ रहे. थैंक यू सो मच. अभी अभी इन्होंने प्रूफ दे ही दिया. इसका मतलब आप, अगर मुझे आप मिल रहे हैं तो आप पता नहीं कितने लोगों को, कितने और. अरे ये क्या मतलब? उन्होंने मतलब आपको ऐसे प्यार दिया है इज्जत से, मतलब आपको, आप तो उनके कैरेक्टर पे शक करने लगी. नहीं नहीं, मैं कैरेक्टर पे बिल्कुल शक नहीं कर रही हूँ. आई एम श्योर यहाँ कितने ऑडियंस में लड़कियां बैठी है और सबके दिल धक धक कर रहे हैं जैकी जी को देखकर. आप कोई विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे टॉल डार्क. सर टॉल डार्क नहीं बॉस, मैं डार्क. पहले तो मैं बताऊं मैं डार्क कैसे हो गया, क्योंकि मैं धूप में बहुत काम करता हूं. आपको कलर दिखाया दो. हां मैं एक्चुअली मैं फेयर हूं. सर सर ठीक है सर. सर ये सच्ची भी टांग में सफेद जुराबे हैं ये दोनों. अच्छा मुझे लगा लेगिंग्स पहननी वालों ने. नहीं नहीं अपना है कलर. मगर इतना ही बोलूंगा भिड़ू कि आज लेडीज भी भिड़ू होती सर. नहीं मालूम, मुझे लगा लड़के भिड़ू, लड़कियां भिड़ी. सब भिड़ू ही होते हैं भिड़ू, सब भिड़ू है, सब दोस्त लोग हैं. सर ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा है. बोलना बाबा. I have met someone here. मैं यहाँ पर, मेरे कॉलेज के दोस्त हैं ना यहाँ पे. ये सर मैंने यहाँ, मैं किसी को मिली हूँ. हाँ, उस लेडी से. हाँ, और उन्होंने काफी किस्से बोले हैं ब्रेक टाइम में. हाँ बता ना, मुझे भी समझा यार. तो मुझे भी सुनाओ सर. नीना जी मेरे मुंह से सुनो. इला जी सर मेरे मुंह से सुनोगे तो अच्छा नहीं लगेगा. नहीं सुना 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 दो. इला उधर ला इधर ला. नीना, विद्या, इला, सुधा, लती, लता, परी, बड़ा बेबी सुनीता. ये अपनी गैंग था ना बड़ा. पर मेरे जरा कैरेक्टर के बारे में प्लीज बता यार, बता बड़ू बता. सो चार्मिंग, ही कैन चार्म ऑल द गर्ल्स, बट नो कैरेक्टर, ही इज वेरी गुड. अरे वाह. एंड ही इज सो हंबल, सो हंबल, डाउन टू अर्थ. वी लव हिम. अरे वाह. थैंक यू मैम. आपने हमारे मित्र से पूछकर आप मेरे बारे में पूछा मेरी जान. मैं अभी क्या बताऊं यार, कभी बताऊंगा आराम से बैठ के.
मेरा नंबर देता हूँ बाद में, मैं फोन पे बताऊंगा। शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। और मैम आप भी तभी से जानती हैं? सर मैं तो हीरो के दिन से जानती हूँ उनको। चलिए बड़ा, लेकिन आपने कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछा था। हीरो से मेरे बाबा भी जानते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से हीरो में आपने कोई हीरो का कोई गाना कॉलेज में। सर मैं कॉलेज में, जब कॉलेज में नहीं स्कूल में, लंबी लंबी जुदाई, रेशमा जी का गाना, वो मैं हमेशा गाता था सर। पहली बार स्टेज पे मैंने भी गाया था लंबी जुदाई। बड़ू सुनाना तो पड़ेगा। मैं तो तैयार हूँ सर, अभी लो माइक। ये प्लीज। Thank you. शुक्रिया। Thank you Jackie sir. Thank you जी. I'm feeling honored. Thank you sir. कि आपके सामने आप ही की फिल्म का गाना गा रहा हूँ। Thank you sir. जी, खैर, हम बढ़ते हैं उसी जी मकाम की तरफ। जी मैडम आइए। Okay, my question is to Tiger sir. आपकी आने वाली पहली मूवी में आपने किसिंग सीन किया है। So for a kissing scene, you need a comfort level with your co-actor. तो मतलब how did you build that with कृति मैम? मैं तो बड़ा शरीफ समझता था। अभी क्या करूं, जैकी सर के कान पे हाथ रखूं? मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ एक्चुअली with this co-actress of mine. She is really नहीं, बात क्या है, जब मैं कैरेक्टर में हूँ, व्हेन शी इज इन कैरेक्टर। सबसे पहले वो किसिंग सीन एक्चुअली एक पैक है, हाँ, उसको इतना बड़ा मत बनाओ। मतलब मुंह बंद था मेरा तो। बाबूजी धीरे चलना। थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब, आप क्यों पूछना चाहते हैं सवाल? सर मैं खाली बैठा था तो मैं सोचा कुछ काम खाली बैठा था, बाहर जाकर कपड़े धो लीजिए। जी सर। सर मेरा एक सवाल है जैकी जी आपसे। जी, आपकी जो हीरो फिल्म आई थी उसमें जो एक सॉन्ग था, मतलब जो एक विस्लिंग थी, जो बंसूरी थी, जो आज तक फेमस है, वही बंसूरी पे मैं आपको और आपके बेटे को थोड़ा सा डांस करते देखना चाहता हूँ। कौन सा डांस? फ्लूट के ऊपर डांस? सांप डांस? या फ्लूट, फ्लूट। सर फ्लूट के ऊपर मैं कर लेता हूँ आपके खुशी के लिए। कौन सा फ्लूट का जरा सुना, मैं डांस नया स्टेप बनाता हूँ। हीरो 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 फिल्म की जो फ्लूट थी ना, वही। लूट पे क्या डांस करेगा भाई?
अच्छा इसको वेस्टर्नाइज करते हैं। गड्ढा आ गया था पर एक बार जोरदार तालियां जैकी सर के लिए, टाइगर के लिए और कृति के लिए। किशोर जी शुक्रिया सर, आपके आपके सवाल के वजह से, आपकी फरमाइश की वजह से हमने जैकी सर को, पिता पुत्र को साथ में नाचते हुए देखा। और कोई है जो सवाल पूछना चाहता है? दूसरों को डराकर वो जीता जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। जी आप अभी तक घर नहीं गए? जैकी सर आपका जब से मैंने पिक्चर देखा है, हीरो पिक्चर देखा के देखी है, देखा है, तब से मैं बहुत ही आपका फैन हूँ जी। सर एक आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने हीरो पिक्चर में हीरोगिरी की है और आपके बेटे ने हीरोपंती की है, तो मैं और मेरे बेटे को क्या हीरोगिरी और हीरोपंती सिखाएंगे प्लीज? हीरोगिरी नहीं, आप कच्ची गिरी लीजिए। उसको सुबह खाली पेट खाइए। काम पे ध्यान दीजिए सर, किन चक्करों में पड़े हुए हैं आप? पहले तो बड़ो आपने हीरोपंती और हीरोगिरी की बात करता हूँ जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी जगह होता तो मैं डर जाता, जैसे जैकी सर आए थे ना ऐसे ऐसे करके। नहीं सर इसने पूछा था। जी और कोई हमारे दोस्त? जी हाय टाइगर सर। हाय सर, आप इस सवाल आपके लिए सर। जी सर आप, मैंने कभी स्टंट नहीं किया, क्या आप मुझे स्टंट सिखा सकते हैं? क्या नहीं किया? स्टंट स्टंट नहीं किया, आप सिखाएंगे इनको स्टंट? अरे आज तो ये बोल दिया कि मैंने कभी स्टंट नहीं किया, कल को कहेंगे मैं कभी मां नहीं बना तो मुझे आप बना सकते हैं? ये तो मतलब you can hold him and take him, make him turn or something. Haan, but I just hope he doesn't break his leg. aur inke stunt seekhte seekhte koi spare part reh gaya to hum ghar pahuncha denge. aapko kuch basic sikhaunga theek hai, ek second yahan aa jao. bikhar na jana guru, ab hilna mat. kuch nahi hoga, kuch nahi. अभी आप खाली घूम के ये करना बस। यार ये क्या कॉन्फिडेंस है टाइगर का, नहीं तो ऊपर नीचे होता नारियल गिर के नीचे गिरा होता। हाँ चलेगा चलेगा, ये भी चलेगा, मारो लात मार, लात लात। एक काम करो ब्रदर, एक और इसको पहले ऊपर खींच लो, पेंट फटेगी सबसे पहले। आराम से आराम से आराम से, बैलेंस। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हेलो भाई, अपनी टोपी तो रखी नहीं, माइक की तो ले जाओ। वेरी गुड ब्रदर। यू वेंट ओवर द हेड, यू वुड हैव बीन डॉक्टर मैन जी। दारू
अरे उड़ गया यार, ये क्या ले आई? ये क्या है, शर्म नहीं आ रही तेरे को? पहचान रहा मुझे? ये आपके फैमिली मेंबर है? हाँ, मेरी थोड़ी सी दादी है। थोड़ी सी? आपने पहचान रहा मुझे? नहीं तो? साफ साफ कहिए ना, बेटे के सामने पहचानना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं सिर्फ दुपट्टा है। वेट। ओ, वेट? आप इसे इनकार करते रहे ना, मैं इसे इजहार करते रहूंगी। आप लाज है, लाज का पर्दा उड़े रहे ना, मैं लाज है लफ का लफड़ा फौसे फोड़ दूंगी। दादी, श से शट अप और म से मुक्का मारूंगा। जो अभी तंग नहीं करना जाकी दादा को? तंग नहीं, ये बातें नहीं है, ये यादें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती है। ये यादें याद है, किसी दिलो जानम के जाने के बाद आती है। कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है, याद आ रहा है। हम एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे, क्या बताऊं, यहाँ तक के मैं तो आपकी पप्पी भी लेने वाली थी, लेकिन पता नहीं अचानक बीच में कहाँ से सुभाष घाई जी टपक पड़े और गाने लगे डिंग डोंग। ओ बेबी सिंगल। मुराद पूरी हो गई है, मेरे चुन्नी बाबू घर आ गई है। हाँ, चुन्नी तो है, बाबू पता नहीं। आइए ना बाबू, आइए ना। कहाँ? शीशे से शीशा टकराए, जो भी हो जाओ। अरे तेरी, कहाँ जा रही हो? थक गए होंगे? हाँ। आइए, हाँ। मैं आपके लिए दो लुधियाना बना देती हूँ। यो क्या होता है? लुधियाना नहीं, पटियाला होता है। तू नहीं जानता, जब दो पटियाला मिल जाते ना, हाँ, तो एक लुधियाना हो जाता है। सच्चा पटीते। ये पलक, ये लूना हल्के फुल्के सामान के लिए नहीं है, ये बैलगाड़ी की माल उसके ऊपर लाद के घूम रही तू। तो अगर आपको अपने लूना से इतना प्यार है ना, तो कभी कभी थोड़ा पेट्रोल भी भरा लिया कीजिए। पूरे पेट्रोल पंप पे जाके ना, दो बार अपने मुंह में पेट्रोल भर के ला के इसको भराए मैंने, तब जाके टैंक हुआ। चल बता, हमारी लूना लेके कहाँ गई थी तू? हाँ, वो मैं बताती हूँ ना, एक मिनट। ओके गाइस, खुशखबरी है, एवरीवन विल गेट लड्डू। लड्डू लीजिए प्लीज, ये आप भी लीजिए, अभी लीजिए 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 लड्डू लीजिए लड्डू लीजिए। ये किस खुशी में है? तुम्हारी मम्मी दोबारा तो नहीं मां बन गई? एक मिनट, मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, मैं एक फिल्म के ऑडिशन के लिए गई थी, वहां पर मुझे सिलेक्ट कर लिया गया है, और बहुत जल्द मैं आप लोगों को एक फिल्म में बतौर हीरोइन दिखाई दूंगी। हाय, क्या कौन सी फिल्म? फिल्म का नाम है हीरो पंती। ओ पलक, ये पकड़ा मैंने लड्डू पहले तो। क्या कर रहा है? ओ पाजी, तो कैच। खाने वाली चीज तो उड़ उड़ के पकड़ती है सर। और जिस फिल्म की तू बात कर रही ना, वो कंप्लीट हो चुकी है। ये देख, उसकी स्टार कास्ट बैठी, हीरो हीरोइन दोनों बैठे हुए हैं। अरे लेकिन फिल्म में ये देख, टाइगर कृति। ध्यान से टेक ऑफ।
करने वाली है। धोखा खा के आ रही हूँ और आप लोग लड्डू खा रहे हैं, दीजिए यहाँ पे। कोई नहीं खाएगा, कोई नहीं खाएगा लड्डू, सारे के सारे लड्डू वापस दीजिए। ये क्या बात हुई टाइगर, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं मतलब इतनी मुश्किल से मैंने इस फिल्म का ऑडिशन दिया था और मुझे हाय हाय कहाँ से तूने दे दिया? अरे पेपर में आया था, मैंने 2500 रुपए भी भरे थे। क्यों भरा तूने फॉर्म? वो क्यों भरा, मतलब उसमें लिखा था कि एक्ट्रेस चाहिए 16 साल की, मैंने भर दिया। 1600 किलो की तो नहीं बोला था ना? एक मिनट सिद्धू जी, हाँ जी, जैकी जी, टाइगर जी, कृति जी, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि ये व्यक्ति जो है कुछ ज्यादा ही बोलते जा रहे हैं। इसके लिए मेरे ख्याल से हम सबको मिलके इस व्यक्ति को इग्नोर करना पड़ेगा। हम सब मिलके इग्नोर करेंगे। आप सब प्लीज मेरे साथ बोलिए, ओ बहुत हो गया। ओके, जब देखो अपना साइज ही बताती रही थी। ओ ए पलक, फिल्म में काम करने के लिए टैलेंट चाहिए, टैलेंट। हाँ तो टैलेंट कूट कूट के भरा है मेरे अंदर, जब चाहे निकाल लो। जो तेरे अंदर भरा है वो हवा है, टैलेंट नहीं है। तू बोल मत, मैं खुद ही कर लेता। नो दिस टाइम इज डिफरेंट, प्लीज टॉक टू माय हैंड। ओके, हर बार ओ नहीं होता है, ठीक है? ओके, और आप प्लीज ज्यादा मत बोलिए। और टाइगर, ये क्या किया आपने? क्या किया? क्या जरूरत थी? क्यों उनको फिल्म में लेने की क्या जरूरत थी? मैं थी ना। पलक तू मायूस मत हो, अगले साल ये दोबारा फिल्म बनाने वाले हैं, हाथी और गैंडा, एक मोटी सी लव स्टोरी। उसमें तेरे को लेंगे ये, इन्होंने बोला ऐसे मेरे को। शर्मा जी, जब मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही हूँ तो आप बीच में मुझसे बातचीत क्यों कर रहे हैं? आप अपना वक्त जाया ना करें प्लीज। मेरा दिल करे तेरे से बातचीत कभी ना करूं, सीधी मारपीट करूं तेरे साथ। बिना पूछे घर में घुसाती है, हमारे मेहमानों के साथ बदतमीजी करती है, कहीं की पागल लूना के ऊपर बैठी हुई। एक मिनट, वैसे भी बदतमीजी मैं कहां कर रही हूं सर, मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी की? सर मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, मैं तो इतनी बड़ी फैन हूं ना कि मैं यहाँ पर मतलब मैं अभी मेरे दिमाग में कमाल का ना शेर आपके लिए आ गया है। जंगल में शेरनियां विधवा हो जाएंगी। मैं अर्ज कर खड़का दे। अर्ज किया है, मैं जब भी इस घर में आती हूँ बिट्टू शर्मा खा जाता है मेरा भेजा। हाय हाय, मैं जब भी इस घर में आती हूँ बिट्टू शर्मा खा जाते हैं मेरा भेजा। गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा। वाह, ऐसा लगा सुपर। थैंक यू। एक और, मैं देखिए, मैं जब भी हमारे घर में आती है बिट्टू शर्मा खाता है इसका भेजा। तेरे लिए रखा है ठुल्लू, अंदर से जाके ले जा। मेरा तन डोल, दादी पोता साथ में, आज बोल पलक तू। अब बोल। एक मिनट रहने दीजिए टाइगर। वैसे मैं एक शेर आपके लिए भी, एक्चुअली आपके लिए मतलब टाइगर के लिए शेर अर्ज करो, शेर टाइगर सेम ही होता है। वैसे आपके लिए क्या फायदा अर्ज करके, फिर कर दे। नहीं लेकिन एक काम कर सकते हैं, हम डांस कर सकते हैं। ठीक है। हाँ अब ऐसा डांस कीजिए। और मैंने सुना है कि आप कुछ गा लेती हैं। जी मैं सिंगर तो नहीं हूँ लेकिन कोशिश कर सकती हूँ आपके लिए। तो ये बेस्ट आइडिया रहेगा ना, आप गाइए और हम डांस करते हैं। कोशिश करेंगे। चलिए आइए कोशिश करेंगे, आइए। माइक यू। चलिए करते हैं। चलिए गाइए ना। अच्छा जैकी सर भी गाएंगे मेरे साथ। हाँ प्लीज, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। अरे ये बहुत अच्छा गाते हैं।
तूफान है बाबा। अच्छा मैं इतना बोलना चाहूंगा बड़ू के आप लोगों ने बहुत इज्जत दी यार पाजी, सत श्री अकाल पाजी, बहुत बहुत प्यार दिए आप लोगों ने मेरे को, मेरे बच्चों को। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा डार्लिंग, मेरा अपन घर का अपना जो गार्डियन है शाबिर भाई, शाबिर भाई आप एक मेरा डायरेक्टर साहब है, आना पड़ेगा बाबा जरा प्लीज सुनते। सबसे पहले तो सर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो फिल्म आ रही है और आपकी जो कास्ट है, इनका टैलेंट देख के कोई दो राय नहीं है कि ये फिल्म किस हद तक जाने वाली है। जोरदार तालियां फिल्म हीरोपंती के लिए। को तक पहुंच गई, डांस सिखा के बस हो गया। आ पहुंच गई तो सिर्फ डांस ही करेगी या कुछ और खाएगी? ओहो चैलेंज कर रही है मुझे। हाँ हाँ ओके आई एम रेडी। बूढ़ी बूढ़ी होगी तेरी माँ चुड़ैल। इनसे बात कीजिए आप प्लीज। अरे 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 तरीके से फाइट करते। एक सेकंड एक सेकंड, पहले आपको कुछ सिखाऊंगा ठीक है, और फिर आपको पहले मैं कुछ सिखाऊं। एक सेकंड झांसे पे मत आइए। पापी पापी ये तो सूट था, जरा असल लेके आती हूँ। अरे ये 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 चल आजी आई बड़ा। मुझे पहले फ्राइड सिखाइए, मैं मारना चाहती हूँ। ओके ओके आप ये करो। अरे ये दादी जी वो निकल गई जाने दे। दादी जी गई, अच्छी बात है दादी जी निकल गई। ओके मतलब वो हार गई, वो भाग गई, मतलब वो हार गई यानी कि मैं जीत गई। ये ए सुनो दादी पलक, अभी फालतू की बकवासगिरी बंद। तुम लोगों के चक्कर में ना तुम लोग लड़ रहे हो, उस दिन उतनी देर में फिल्म रिलीज हो जाएगी पता। अभी लड़ाई झगड़ा बंद और हीरोपंती की पूरी कास्ट के लिए जोरदार तालियां। और खास तौर पे जोरदार तालियां हमारे जैकी सर के लिए। और आप लोग भी अपने परिवार के साथ जाइए 23rd ऑफ मई को हीरोपंती देखिए, ज्यादा शानपंती नहीं चाहिए अपने को। और इन सबको बेस्ट विशेस दीजिए, थैंक यू सो मच। और आप लोग भी जानवरों से प्यार करें, औरतों की रिस्पेक्ट करें, और देखते रहिए कॉमेडी नाइट्स विद कपिल हर शनिवार रविवार रात 10 बजे ओनली ऑन कलर। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.